कौन है ये जो सड़क पे घोड़े दौड़ा रहा है? कौन है ये? कहाँ है वो चोर? नहीं छोड़ेंगे। जी 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 जी। रुक जाओ। तुमने ही हमारा राजकोष लूटा है, हम तुम्हें दंड देने आए हैं। जी 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 जी। दिमाग खराब है क्या? अरे ये मेरा पालतू तोता है, ये मिर्ची नहीं चुराता, राजकोष से क्या चुराएगा? हाँ ये वो नहीं है, आकार में छोटा है और रंग भी अलग है, हम क्षमा प्रार्थी है। जी 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 जी। अरे कौन है ये पगलेट? कौन बोला? किसने किया हमारा अपमान? जी 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 जी। कौन है वो गुस्ताख? जी मैं हूँ। क्या करेगा? लकड़ी की तलवार से मारेगा। अरे वाह, हमारे शहर में राजा जी आए हैं। हम पर आक्रमण किया, अब इसका दंड भुगतो। जी 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 जी। हमारे एरिया में हमसे दादागिरी करता है, मारो। एक तरफ अंधेरा कैसे हो गया? रुक जाओ। राजा को परेशान करते हो। तुमने हमें पहचान लिया, तुम अकलमंद हो। हे जी जी। हाँ सब यही कहते हैं, मेरी अकलमंद है। आप कहाँ के राजा हो? हम राजापुर के राजा हैं, राजा महाराज हैं। हे जी 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 जी। हाँ हाँ आप राजा महाराज होंगे, पर नाम क्या है? महाराजा हमारा नाम है, राजा महाराजा सिंह। एक चोर हमारे राजकोष से चोरी करके भागा है, हम उसको दंड देने आए हैं, क्योंकि 16वीं शताब्दी के सबसे न्यायप्रिय राजा हम हैं। जी 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 जी। 16वीं शताब्दी? ये तो 21वीं शताब्दी है। परिहास करते हो। जी लगता है ये पास्ट से आया है। ये कौन सा राज्य है? बड़ा ही विचित्र है, अजीब वेशभूषा है। आप कैसे आए हैं? महीन पर बैठकर। महीन? अच्छा समझ गया, उससे महीन नहीं मशीन कहते हैं, टाइम मशीन। अच्छा हमें तो जब से मिला है हम महीन ही कहते हैं। आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, चलिए मेरे साथ। कहाँ? अतिथि ग्रह? नहीं, ग्रह पर तो रॉकेट पर बैठकर जाते हैं। जब तक हम चोर को दंड नहीं दे देते हम कहीं नहीं जाएंगे। जी 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 जी। हाँ मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलूँगा, वहाँ बहुत चोर होते हैं। ठीक है जी 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 जी। मतलब हमें चोर मिल जाएगा? जी 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 जी। हाँ जरूर मिल जाएगा, अभी आप मेरे घर चलो, आप खतरे में हो। जी 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 जी। तो फिर महीन पर बैठकर चलते हैं। ठीक है। जी 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 जी। टाइम ट्रेवल नहीं करना है, मशीन की जरूरत नहीं है, पैदल चलो। अच्छा एक काम करते हैं, इस घोड़े पर चलते हैं। खरगोश बोला था मंकी को ले आया, अनि ये तू किस नौटंकी को ले आया? ठोको ताली। कैसी लगी हमारी ताली? आगे से हमारा अपमान करने से पहले 10 बार सोचना, वरना कार आवास में डाल देंगे। जी 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 जी। क्या बात क्या बात क्या बात, राजा की क्या एक्टिंग की है। धन्यवाद। जी 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 जी। ऐसे क्या देख रहे हो, कभी इतना हैंडसम तोता नहीं देखा क्या? चोर। ओह,
कब तक बचेगा राजकोष के चोर? हम तुझे दंड देकर ही रहेंगे। जी 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 जी। अरे ये क्या छोड़ दिया मेरे पीछे? राजा जी ये चोर नहीं है, हमारा दोस्त पोपट है, हमारे साथ ही रहता है। राजा जी पोपट कभी 16वीं शताब्दी में गया ही नहीं। 16वीं शताब्दी? हाँ ये 16वीं शताब्दी से आए हैं, ये सच में राजा हैं, राजा महाराज सिंह। क्या 16वीं शताब्दी से मशीन पर बैठकर आए हैं? मशीन पर नहीं, महीन पर। हाँ हाँ वही, छोटे भाई इनको कुछ हो उससे पहले इन्हें वापस इनके राज्य में भेजना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, जब तक राजकोष के चोर को पकड़कर दंड ना दे दे वापस नहीं जाएंगे। राजकोष का चोर? सालों पहले सोया था अब जगा है, 16वीं शताब्दी में छूटा था तीर अब आकर लगा है। वो चोर इसी दिशा में आया है, तुमने देखा है? जी जी जी। अरे ये तो तोताराम की फोटो है। फोटो 16वीं शताब्दी में कैमरा कैसे आया? कैमरा छोड़, प्रॉब्लम पर ध्यान दे, ये तोताराम की फोटो है। हम इसे दंड देंगे फिर वापस जाएंगे। जी 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 जी। हाँ भाई। वही आवाज। जी 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 जी। अरे जब तक ये तोताराम को दंड नहीं देगा वापस नहीं जाएगा, कुछ सोचना पड़ेगा। वो यही है, हमने आवाज सुनी है। मैंने निकाली आवाज। नहीं तुम्हारी आवाज ऐसी नहीं है। ये कई आवाजें निकालता है। बनी निकाल आवाज। उड़ जा भाई, बात को समझो, यहाँ खतरा है। जानी जाओ, हम तुम्हें घर पर आकर मिलते हैं, जाओ। तुम विदूषक हो, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जी 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 जी। हाँ हाँ चलेंगे, पहले आप अंदर आकर कोहराम करिए। तुम्हारा मतलब है विश्राम करिए? हाँ हाँ वही वही, विश्राम कीजिए। जोरदार, राजा जी को लेकर जा। हाँ भाई क्या हो रहा है? ये राजापुर के राजा हैं, गलती से 16वीं शताब्दी से यहाँ आ गए हैं। हाँ भाई गलती से इंसान दूसरी गली में जाता है, दूसरी शताब्दी में नहीं। अरे टाइम मशीन से जा सकते हैं, अब हमें तेरी मदद की जरूरत है, कोई शक? अरे मैं तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हूँ, बोलो क्या करना है? एक्टिंग, तेरी शक्ल 16वीं शताब्दी के एक चोर से मिलती है, तुझे वो चोर बनना है, राजा तुझे सजा देगा और खुश होकर वापस चला जाएगा। हाँ भाई वो राजा मटका कुल्फी वाला राजा नहीं, असली राजा है, तलवार वाला। तू चिंता मत कर, हम सब वही होंगे, तुझे कुछ नहीं होगा, बेचारे राजा की मदद भी हो जाएगी। बस तू राजाओं के जमाने की ड्रेस का जुगाड़ कर ले और उसे पहनकर किले पर पहुंच जा। जुगाड़ क्या करना है, मेरे पास वैसे ही एक ड्रेस है। अब हम राजा की मदद कर पाएंगे, राजा जी को बताते हैं। महाराज महाराज आपके चोर का पता चल गया है। कहा है चोर, हम दंड देंगे। जी 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 जी। किले पर है, चलिए। धर्म जी का बेटा बॉबी है, मेरे हॉस्पिटल में लॉबी है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हॉबी है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ है वो चोर? जी 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 जी। वो रहा, वहाँ छुप रहा है। अरे ये
ये रहा आपका चोर, आप सजा सुनाकर अपने देश जाइए, हम इसको दंड दे देंगे। नहीं, हम स्वयं दंड देंगे। महाराज महाराज गला छोड़िए, चोरी के लिए प्राण दंड नहीं दे सकते। अरे इन लोगों ने कहाँ फंसा दिया, वो भाग रहा है, अभी दंड पूरा नहीं हुआ। जी 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 जी। हाँ भाई, तूने कहा था ये सजा देगा, पर ऐसा लग रहा है कि ये मार मार के सूजा देगा। महाराज रुक जाइए, अब आपको वापस जाना चाहिए। नहीं, हम इसे और दंड देकर ही जाएंगे। ट्रिपल डी इधर आओ। ये क्या बवाल कर रहे हो, बाल की खाल कर रहे हो, बेकार के सवाल कर रहे हो, इन सब का क्या हाल कर रहे हो ट्रिपल डी? डॉक्टर भालू, आप इन्हें कैसे जानते हैं और ये ट्रिपल डी क्या है? दीनदयाल दिवेचा, ट्रिपल डी इसका नाम है। नहीं नहीं, ये तो राजा महाराज हैं, 16वीं शताब्दी से आए हैं। तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, छोटी सी पुलिया पुल हो गई है, तुमसे कोई भूल हो गई है। ये खराब पड़ा हुआ ट्रैक्टर है, फ्लॉप एक्टर है, एक साल से इसके दिमाग में घुसा हुआ कैरेक्टर है और इसका एड्रेस 6 सेक्टर है। क्या अनी, तूने तो कहा था ये टाइम मशीन से आए हैं। हाँ, इन्होंने ही कहा था। मशीन नहीं, महीन से, मेरे घोड़े का नाम है महीन। जी 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 जी। एक मिनट, अगर आप 16वीं शताब्दी से नहीं आए हैं तो आपके पास तोताराम की 16वीं शताब्दी की फोटो कैसे है? हाँ भाई, ये तो पिछले महीने फुंटी फोटोग्राफर ने उसके स्टूडियो में लगाने के लिए खींची थी। देख, मैंने आज भी सेम ड्रेस पहनी है। इधर आओ, ये मेरा मरीज है, एक्टर है, हर एक कैरेक्टर में घुस जाता है, मेथड एक्टिंग करता है। इस राजा के कैरेक्टर में ऐसा घुसा कि निकल ही नहीं पाया। इस हनी के चक्कर में हमने इतना तमाशा कर दिया, कोई शक? राजा जी, जरा आपकी तलवार देंगे? कंफ्यूजन हो गया, सॉरी छोटे भाई। और ट्रिपल डी, अब मैं तुम्हें महाबली के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताता हूँ। कितनी गंदगी मचा रहा है तू हनी, कभी साफ सफाई भी कर लिया कर। सॉरी। वाओ, हाउ कूल। खन्ना साहब, आज तो संडे है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो फिर आप कार क्यों साफ कर रहे हैं? ओए गुरु, फूफू करके खाओ, समोसा बहुत गर्म है, डेली सफाई करना हम सबका धर्म है। ठोको ताली। अन्ना साहब, ये सब इसे क्यों बता रहे हैं? हनी का साफ सफाई से उतना ही लेना देना है जितना एसी का टीवी वाले रिमोट से। कोई शक? उनका तो कोई लेना देना नहीं है। बिंगो। हनी भी धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है। वाओ, हाउ कूल, साफ सफाई रखना कितनी अच्छी बात है, हमारा धर्म है। आ, 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 आ,
बोलो ढेंचू 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 तो कोई भी बोल लेगा, लय में बोलिए ढेंचू ढेंचू। योग करने से तन और मन साफ रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आसपास की सफाई। देखा, मैंने डस्टबिन साफ कर दिया। बोलो ढेंचू 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 ढेंचू। दुनिया में हर कोई साफ सफाई कर रहा है, मेरा भी फर्ज बनता है कि देश में साफ सफाई करके अपना योगदान दूं। करना है हर चीज साफ, वरना नहीं करूंगा खुद को माफ। लेकिन मैं खन्ना साहब की तरह क्यों बात कर रहा हूँ? सबसे पहले तो दिमाग साफ करना पड़ेगा। सफाई की कसम खाओ तो चेहरा सबसे पहले गंदा होता है। तू मेरा घर उजाड़ रहा है। आज से इस घर में जाले नहीं लगेंगे, क्योंकि जाला साफ होगा तो दीवार साफ होगी, दीवार साफ होगी तो घर साफ होगा, घर साफ होगा तो देश भी साफ होगा। तू देश के लिए इतना भी नहीं कर सकता? ओए, मैं यही हूँ और यही रहूँगा, और मैं साफ सफाई करता हूँ और करता ही रहूँगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ओए, 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 या आ, या, ओए, या, 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 बाहर इतनी गर्मी है यार, मेरे ग्लास में जूस रखा था, गर्मी से भाप बन गया। ये मेरे अंदर की गर्मी थी, मैंने ही मौका पाकर तेरा जूस पी लिया था। और मुझे जो गर्मी लग रही है उसका क्या? तेरे लिए पंखा चालू करता हूँ ना मेरे भाई। डंडा इतनी तेज लगा बॉडी में, जेब में 10 का नोट होता तो टूट के 5-5 के 2 चिल्लर हो जाते। हनी, तू ऊपर क्या कर रहा था? साफ सफाई। तुम तीनों गंदे हो गए हो, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। क्योंकि तुम साफ होगे तो फर्श साफ होगा, फर्श साफ होगा तो घर साफ होगा, घर साफ होगा तो मोहल्ला, दुनिया, देश सब साफ हो जाएगा। अब तू तिल का ताड़ बना रहा है। नहीं बना रहा हूँ, मुझे पता है तिल का ताड़ बनाऊंगा तो कुछ तिल गिरेंगे और उसमें भी झाड़ू मुझे ही मारनी पड़ेगी। या,
आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। सफाई बोल के धुलाई कर दी। अरे नहीं, तुम सब कितने अच्छे से साफ हो गए हो। साफ नहीं, चित हो गए हैं। कोई शक? तुम्हें साफ सफाई की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही है। अब मैं किचन साफ करने जा रहा हूँ। साफ सफाई करने के चक्कर में हनी ने पूरा घर फैला डाला। ऐसा लग रहा है मोहनजोदारो की खुदाई यही हुई थी। मुझे तो ये ट्रेलर लग रहा है दोस्तों। फिल्म बनने से पहले हनी को रोकना पड़ेगा। सारे बर्तन धुल गए पर अभी बहुत साफ सफाई बची है। टाइम कम है, सारे बर्तन एक साथ रख देता हूँ। जोरदार, तू ही बच गया। ले, तू यहाँ पकड़ ले। पूरा किचन गंदा हो गया। तू सही कह रहा है जोरदार, बहुत गंदा हो गया। और अभी मुझे मसाले के डब्बे भी साफ करने होंगे। अरे ये क्या कर रहा है गधे? साफ सफाई कर रहा हूँ, तुम लोग भी मदद करो मेरी। अरे के साथ सफाई का भूल करना होगा। ओए गुरु, लिया तेज खर्राटा, पड़ोसन मेरी जग गई। 2,22,222 की लॉटरी मेरी लग गई। ठोको ताली। इस टिकट को कितने लोगों ने छुआ होगा? साफ कर देता हूँ। यस था करेक्ट आंसर, मैंने नो किया। टी शर्ट धो देता, हनी टिकट क्यों धो दिया? अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तूने खन्ना साहब। बहुत ज्यादा से याद आया, इस घर में कपड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज मैं सारे कपड़े धो दूंगा, क्योंकि कपड़े साफ होंगे तो इंसान साफ होंगे, इंसान साफ होंगे तो माँ साफ होगी, माँ साफ होगी तो धरती साफ होगी, क्योंकि धरती तो मेरी माँ है। बचाओ, कपड़े भी बोलने लगे। कपड़े नहीं, कपड़ों के अंदर से हम बोल रहे हैं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ढंग से साफ सफाई नहीं की क्या? कोई बात नहीं, मैं घर को पाइप से साफ कर देता हूँ, पूरा साफ हो जाएगा। आ, 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 आ,
ये तो रुकेगा नहीं और हमें भी जाने नहीं देगा। पोपट, तुझे ही जाकर नल बंद करना होगा। पावर सप्लाई भी साफ कर देता हूँ, फिर बिजली भी साफ सुथरी आएगी घर में। बड़े भाई, तू साफ सफाई करने वाला था और देख जो साफ था वो भी गंदा कर दिया। ये खुद कुछ नहीं कर सकता, हमें ही इसे सिखाना पड़ेगा कि साफ सफाई कैसे की जाती है, ताकि अगली बार ये साफ सफाई के नाम पे सिर्फ सफाई करे, कचरा नहीं। चलो दोस्तों। वाओ, हाउ कूल। Wow! How cool! Wow! How cool! देखा बड़े भाई, एक जगह सफाई करने का ये मतलब नहीं कि दूसरी जगह गंदी हो जाए। और सफाई सिर्फ तब करते हैं जब सफाई करने की जरूरत हो। लेकिन घर साफ होगा तो शहर साफ होगा, शहर साफ होगा तो देश साफ होगा। देश का क्या? देश तब साफ होगा जब सब लोग अपने अपने हिस्से की साफ सफाई खुद करेंगे। तू सिर्फ अपने हिस्से की साफ सफाई की बात कर। कोई शक? मैं समझ गया, जब जरूरी होगा तभी सफाई करूँगा, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। हाँ?